क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, उसमें ए बी हमें पता है, बी सी हमें पता है, सी डी हमें पता है, हमें पांचों की पांचों साइड्स पता है, यानी कि एक इसमें क्या होगी, कोई ना कोई डायगनल भी होगी, क्योंकि इसमें पांच साइड है, क्योंकि साइड तो हमें चार होती हैं क्वाड्रिलेटर में, लेकिन एक जो होगी पांचवी जो साइड होगी वो कैसी होगी, डायगनल होगी। हम बात करें ए बी सी डी, हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी डी ऐसे है, ए से मान लिया, बी से मान लिया, या फिर ऐसा करते हैं बी सी पहले लेट कर लेते हैं, बी सी मान लिया अगर, वो कितना है 5.5। बी सी मैंने इसलिए माना है क्योंकि आगे जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो बी सी के रिस्पेक्ट में सॉल्व हुआ है, हम कोई भी रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, पहले चाहे 4.5 भी ले सकते हैं, 4.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, चाहे सी डी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बनाना है क्वाड्रिलेटर, इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको बी सी ही लेनी है पहले। ओके, बी सी हमने क्या ली, 5.5 सेंटीमीटर हुआ, ये क्या है बी ए बी सी और ये डी, ठीक है, या तो इसमें ए सी होगी डायगनल या फिर बी डी होगी इसमें डायगनल, तो देखते हैं इसमें क्या है, ए सी डायगनल है, यानी कि ये वाली जो डायगनल दे रखी है हमें कितनी है 7 सेंटीमीटर, और डी सी कितना पता है हमें, डी सी बोलो या सिर्फ सी डी बोलो 4 सेंटीमीटर, ए डी पता है क्या हमें 6 सेंटीमीटर, और ए बी हमें पता है कितना 4.5 सेंटीमीटर। ये हम क्या करेंगे, मीज़रमेंट से सॉल्व करेंगे। अब हम इसके सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स, हम स्टेप्स वाले होंगे इसमें, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है हमारी क्वेश्चन पेपर में, एक लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें स्टेप्स भी लिखने होते हैं और इसे कंस्ट्रक्ट भी करना होता है बाय द हेल्प ऑफ कंपास, प्रकार की हेल्प से इसे हम सॉल्व करते हैं, ओके, प्रोटेक्टर की हेल्प से। ओके, देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, जो कि लाइन सेगमेंट क्या गिवन है हमें, बी सी गिवन है, हमने बी सी सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींचा बी सी, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट खींचा बी सी, फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, बी सी की हेल्प से एक हमने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल बनाया, यानी कि ये वाला ट्रायंगल हमने बनाया, ए बी सी ट्रायंगल हमने बनाया, कैसे बनाया, एक मिनट, बी सी हमने लाइन ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर 4.5 हमने प्रकार में भरा, 4.5, फिर 4.5 से यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक आर्क बनाई, ठीक है, फिर उसके बाद सी को सेंटर मानकर हमने क्या करा, फिर एक आर्क बनाई, कितनी सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की, इस तरीके से, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया हमारा, क्या ट्रायंगल, ए बी और सी, ओके, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें और क्या चीज़ दे रखी है, हमारा ए बी सी ट्रायंगल तो बन गया, ये वाला ट्रायंगल तो बन गया, ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, डी बी बनाना है, अब डी ए से बनाएंगे, सी को सेंटर मानकर प्रकार में 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे इधर की तरफ, ठीक है, ऐसी यहाँ से ये ए डी हमें कितना पता है, ए डी पता है 6 सेंटीमीटर, हम इसको सेंटर मानकर इधर की तरफ आर्क लगाएंगे, फिर हम इन दोनों को मिला देंगे, ऐसे हो रहा है, देखिए ये 4.5 हमने ली थी यहाँ पर, ये 7 सेंटीमीटर यहाँ तक का पूरा बन गया था, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने सेंटर पर इस वाले जो पॉइंट पर, आर्क वाले पॉइंट पर हमने 6 सेंटीमीटर का प्रकार में डिस्टेंस भरा, फिर हमने इससे यहाँ पर आर्क लगाई, फिर उसके बाद सी में सी को सेंटर मानकर हमने 4 सेंटीमीटर का प्रकार में भरा और यहाँ पर एक आर्क लगाई, फिर इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो हमारा ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। सबसे पहले कोई भी बेस ले सकते हैं, चाहे आप 4.5 सेंटीमीटर का लें, चाहे हम 4.5 सेंटीमीटर को लें, इसमें कोई भी बंदिश नहीं है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बस जो फिगर का जो शेप होगी वो इससे थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, और कोई अंतर इसमें नहीं होगा,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके स्टेप्स भी ज़रूर होते हैं। देखिए स्टेप कौन कौन से, सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था जो कि कितने सेंटीमीटर का था, 5.5 सेंटीमीटर का था। फिर हमने क्या ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। जैसे जैसे हम ड्रॉ करते जाते हैं वैसे वैसे हम स्टेप्स लिखते जाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में क्या किया था हमने, डी वर्टेक्स से लिया था। देखो यहाँ से ये जो डी वर्टेक्स से यहाँ की तरफ हमने क्या लगाया था, आर्क लगाया था। चाहे हम बी की, पहले उन्होंने बी की तरफ से ले लो चाहे ए की तरफ से ले लो, बात वही पड़ेगी। ओके, डी सेंटी डी वर्टेक्स से 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए से। देयरफॉर व्हाइल टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये देखिए ये वाला 6 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर ले लिया था और ये वाला 4 सेंटीमीटर ले लिया था। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, टेकिंग सी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर कटिंग द प्रीवियस आर्क एट द डी पॉइंट। फिर डी पॉइंट पर हम एक सी, सी से जो एक लाइन जा रही है 4 सेंटीमीटर की, वो इसे काट देंगे। फिर हमें ए डी को ज्वाइन कर देंगे और डी सी को ज्वाइन कर देंगे। ओके, इसके अंदर ए बी सी पहले ही बन चुका था तो ए बी सी का तो हमने डिफाइन नहीं किया। हमने सेकेंड पॉइंट पर क्या किया था, इसलिए जो स्टेप लिखे गए हैं वो डी से लिखे गए हैं। कभी आपको प्रॉब्लम हो कि ये किस तरीके से डी से लिखे गए, हमने तो बनाया तो पहले ए बी सी था। ए बी सी बनाने के बाद हमने क्या करा था, वर्टेक्स डी से, वर्टेक्स डी को बनाने के लिए हमने ए ए को सेंटर मानकर हमने 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर आर्क लगाया था। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का हमने आर्क लगाया था। फिर उसके बाद कैसे कर रहा था, फिर हमने सी को सेंटर मानकर ए से, ए सी को सेंटर मानकर डी की तरफ आर्क लगा दिया था। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने मिला दिया था तो ये ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर बन गया था। फिर हमने इन सबको ज्वाइन कर दिया था। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेटर जी यू एम पी, इन सब में इन सबकी मेजरमेंट दे रखे हैं। जे यू इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, इसमें पांचों की पांचों दे रखे हैं, इसका मतलब ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले वाला किया। एक इसमें कोई ना कोई एक में क्या होगी, इसमें डायगनल होगी। बना के देखते हैं, पहले इसमें क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। एम पी लिए हमने 5 सेंटीमीटर, ठीक है, चाहेंगे डिफाई अलग भी हो सकता है। हमने जो इसमें यहाँ पे सॉल्व किया है वो हमने 6.5 सेंटीमीटर से सॉल्व किया है, लेकिन हम इसमें एम पी लेके दिखा देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 5 सेंटीमीटर ये हो गई, एम ये हो गई, तो एम एम से रिलेट कौन कौन सी कर रही है, एक तो ये कर रही है, यू वाली कर रही है, और एक पी से कौन सी रिलेट कर रही है, ये वाली रिलेट कर रही है। रिलेट का मतलब ये हुआ कि एम पे यहाँ पर क्या ज्वाइंट करें कि वो यहाँ से भी मैच कर रहा हो और इधर से भी मैच कर रहा हो। जैसे हमने क्या किया, एम का आर्क लिया, ये क्या हुआ, यू हो गई, ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। पी से कितना है, पी यू कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमने एक कॉमन पॉइंट देख लिया। हम जब भी कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं उससे पहले यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हम एक कॉमन पॉइंट देखते हैं कि एम पर कौन कॉमन आ रहा है और पी पे कौन कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटर बनाना है तो कोई ना कोई इस तरीके की शेप ही होगी, या तो इधर की तरफ डायगनल होगा या फिर इधर की तरफ डायगनल होगा। फिर उसके बाद क्या है, पी की एक और वैल्यू दे रखी है, पी जे। ठीक है, पी जे यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा जो कि जे। ठीक है, यू जे भी दे रखी है, हाँ जी दे रखी है, ये कितनी है, 3.5। तो इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ओके, ये देखिए इसके अंदर कैसे बन रहा है, ये देखिए ये इससे डिफरेंट है। उसमें क्या डिफरेंट था, हमने क्या लिया था, पहले क्या ली थी, 5 सेंटीमीटर ली थी, लेकिन इसमें क्या लिया गया है, 6.5 सेंटीमीटर। आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा,
ओके। बस आपका मेजरमेंट्स इसमें ध्यान रखना चाहिए और आर्क इसमें अच्छे से लगाने चाहिए, एकदम नीट और क्लीन होनी चाहिए आपकी पेंसिल जो अभी आप यूज़ करें, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या लाइन सेगमेंट लिया है, पी यू, पहले पी यू डिफाइन किया, पहले पी यू एक लाइन सेगमेंट लिया जो कि जिसकी क्या वैल्यू थी 6.5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। इसे लेने का क्या तरीका होता है कि आप पी के बाद पी से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी वैल्यू इसके अंदर ढूंढिए जो कि दोनों में कॉन्साइड करे, यू पर भी करे और पी पर भी करे। जैसे कि ये जो चीज़ है इसमें क्या हो रहा है, तो पी और यू से रिलेटेड इसमें कौन कौन सी टर्म है, देखिए यहाँ पर पी आ रहा है और यहाँ पर यू आ रहा है और दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, एम कॉमन है। इसका मतलब हम कौन सी चीज़ लेंगे, ये वाली लेंगे, क्योंकि इसमें पी पी भी आ रहा है और यू भी आ रहा है और दोनों में सेम ही अल्फ़ाबेट आ रहा है यानी कि एम। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इसमें हम क्या लेंगे, यू एम और एम पी साइड्स लेंगे। कैसे, देखिए ये वाला पी एम हो गया और ये वाला हो गया एम यू हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। हमने पहले पी को सेंटर माना, पी को सेंटर मान के प्रकार में हमने 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भरी, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने आर्क लगा दिया, फिर हमने यू को सेंटर माना, यू से हमने आर्क आर्क प्रकार में कितनी भरी, 4 सेंटीमीटर, फिर वो यहाँ पर हमने आर्क लगा दी, फिर इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये वाला एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पी एम यू, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या बनाना है, फिर देखिए इसमें क्या होगा, पी से कोई और भी रिलेट कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, ये वाला पी और ये वाला, हम इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, हम चाहे इसे ऊपर भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, इरेज ऑल। जैसे हमने कौन यहाँ पर कौन सी वाली साइड ली है, लिया है हमने कौन सी, एम पी, एम पी लिया है ना, नहीं हमने लिया है पी यू, हमने लिया है पी यू, पी यू लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों में पॉइंट आता है, क्योंकि लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है लेकिन लाइन सेगमेंट्स में क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। और रे में इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। इरेज करते हैं हम, लाइन सेगमेंट ले लिया, लाइन सेगमेंट ये किस क्या नाम है इसका, पी और यू। हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हम अपनी लेंथ लिखते जाएं, क्योंकि फिर जब उसके बाद में जब बन जाता है फिर उसके बाद ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी वो गलत भी हो जाती हैं चीज़ें। तो हमने क्या करा, हमने इन दोनों में कॉमन कौन कौन सी चीज़ ढूंढी, एक तो ये ढूंढी और एक ये चीज़ ढूंढी, क्योंकि दोनों में क्या है, एम कॉमन आ रहा है यानी कि एम बीच में आ जाएगा। और हमने क्या करा, पी को सेंटर माना, फिर हमने प्रकार में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भरा और यहाँ पर हमने इस तरीके से आर्क बना दिया, ये आर्क बन गया, ठीक है। फिर ऐसी यू को सेंटर माना और इसमें 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भरी और इसमें इस तरीके से आर्क लग गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एम पॉइंट बन गया। जो इसका सेंटर होता है वो इस सेंटर से पी को ज्वाइन कर दिया और इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एम ऊपर बन गया, ये कौन कौन सी साइड सी, ये कौन सा है, पी एम यानी कि 5 सेंटीमीटर और ये कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, ओके। ऐसी अब इस बार फिर पी को हम सेंटर मानेंगे तो क्या बनाएंगे, जे बनाएंगे, पी जे, और ये बनाएंगे 3.5। पी यू हम ऑलरेडी ले चुके हैं ये बेस लाइन में, फिर पी को हमने सेंटर माना, यहाँ पर हमने प्रकार में 3.5 की डिस्टेंस भरी और यहाँ पर इस तरीके से आर्क बना दिया, ठीक है। अब दूसरी वाली कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे हमने भरी और यहाँ पे ऐसे करके आर्क बना दिया, ठीक है। ये 3.5 है और ये 4.5 है, ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है और कॉमन पॉइंट क्या है, जे। तो आप देखिए ये सिर्फ इसमें नंबर्स का डिफरेंस हुआ और थोड़ी शेप डिफरेंस हो गई इससे, ठीक है।
चाहे आप M ऊपर ले लें चाहे J ऊपर ले लें, इसमें आपके मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसमें स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके भी मार्क्स हमें मिलते हैं। मैं इसे इरेज कर देती हूँ। स्टेप कैसे लिखते हैं? जिस तरीके से हमने बनाया होता है वैसे ही लिखते हैं। चाहे आपने J ऊपर बनाया है तो J तरीके से लिखोगे, चाहे M ऊपर बनाया हो तो M की तरफ से लिखेंगे। स्टेप्स मैं लिखवा देती हूँ आपको, इरेज कर देती हूँ। इरेज ऑल, हमने जैसे पहले पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे स्टेप्स, वैसे ही लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? हमने क्या बनाया था? ट्रायंगल। हमने क्या बनाया इसमें? ट्रायंगल सबसे पहले ऊपर बनाया, पी जे यू बनाया, ठीक है। ट्रायंगल पी जे यू बनाया विद द मेजरमेंट ऑफ, जो हमें मेजरमेंट दे रखी है उसकी हेल्प से, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या किया था? सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लिया था पी यू, फर्स्टली ड्रॉ द लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर, देन पी को हमने सेंटर माना था, टेक्स पी एट अ सेंटर। पी को सेंटर मानकर आर्क लगाया था कितने वे, ये पी यू था, ठीक है। पी यू पे हमने कौन से आर्क बनाया था? ऊपर जे था हमारा, तो जे अगर ऊपर है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये हमने 3.5 की सेंटीमीटर एट द सेंटर 3.5 सेंटीमीटर पर टेक्स अवे फ्रॉम पी मेक अ पॉइंट जे, ओके। ऐसे हमने फिर दूसरा वाला पॉइंट बनाया कौन सा? 4.5 सेंटीमीटर से, ठीक है। ट्रायंगल बन गया हमारा पी जे यू, पहला वाला ट्रायंगल ऐसे बनाया। सेकंड वाला ट्रायंगल हमने कौन सा बनाया? इसके नीचे पी एम यू बनाया, ये वाला ट्रायंगल। हमने पी को सेंटर माना था इसके अंदर, पी को सेंटर मानकर आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर का इधर की तरफ से, और यू पर आर्क लगाया 4 सेंटीमीटर के। ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ये वाली चीज़ जो है 5 सेंटीमीटर तो बड़ा है और 4 सेंटीमीटर हमारा छोटा है, 4 सेंटीमीटर हमारा छोटा है, तो आप इसमें देख भी पा रहे होंगे ये इसमें 4 सेंटीमीटर छोटा लग रहा है और 5 सेंटीमीटर बड़ा है। जब आप इसमें आर्क लगाओगे तो ये थोड़ी बड़ी बनाना, जैसे ये बड़ी बन रही है, ठीक है। और ये वाली हमारा कि आपको पता है कि छोटी होगी तो ये स्टार्टिंग में ही कट कर देगा और फिर उसके बाद इसे इरेज कर देना क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, सही है। इस तरीके से इसे इरेज कर देना, जैसे मैंने यहाँ पर भी बना रखा है, यहाँ पर भी इतनी बड़ी आई थी क्योंकि 3.5 थी और ये 4.5 पे मैंने बड़ी ले ली थी, फिर उसके बाद मैं इसे मिटा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बनाना है? पैरेलोग्राम बनाना है। हमें क्या दे रखी है? 3 चीज़ें दे रखी हैं, तो हमें पैरेलोग्राम के हमें पता है कि अपोजिट साइड्स तो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ओके। हमें क्या दे रखा है? एक तो या इसके अंदर डायगोनल होगा और दो इसमें साइड होंगी, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या ले रहे हैं? कोई भी साइड ले सकते हैं, चाहे आप आर ई ले लो, चाहे इसमें ओ आर ले लो, कोई भी इसमें साइड ले सकते हैं। हमने क्या ले ली? 6 सेंटीमीटर ले ली। 6 सेंटीमीटर लें, कोई भी ले सकता है। तो हमने क्या ले लिया? 6 सेंटीमीटर ले लिया, ओके। लाइन सेगमेंट ओ आर 6 सेंटीमीटर, ओके। वही इसमें पुराना वैसे ही करेंगे, ओ है इसके अंदर, ओ किस में कॉमन है? एक तो इसमें है और ये आर क्या है? ई पे आ रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो हम यहाँ पे ओ पे क्या लेंगे? ओ को हम सेंटर मानेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे 7.5 से इधर की तरफ आर्क लगा देंगे। 7.5 बड़ा होगा, ये डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है। आर्क लगा दिया, प्रकार में 7.5 की दूरी भरेंगे और इसमें आर्क लगा देंगे। ऐसे इसमें क्या करेंगे? 4.5 की, 4.5 से करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ये यहाँ से मिड पॉइंट पर ज्वाइन हो जाएगा जहाँ से ये कट रहा होता है। इस तरीके से कटता है कोई भी चीज़, तो जो इसका मिड पॉइंट होता है ये यहाँ से ऐसे करके ज्वाइंट होती है कोई भी चीज़, ठीक है। ये कौन कितना हो गया? ई हो गया। से ये कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर।
लिखना कभी भी मत भूलना, क्योंकि ये ज़रूरी है, 4.5 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, स्टेप्स भी लिखते रहेंगे। सबसे पहले हमने कह लिया है मेक अ लाइन सेगमेंट ओ आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन टेक्स अ ओ इज़ अ सेंटर, 7.5 सेंटीमीटर इज टेक अवे फ्रॉम द ओ, एंड 4.5 सेंटीमीटर इज टेक अवे फ्रॉम आर, मेक अ पॉइंट ऑफ ई। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ओ आर ई बन गया। हमें क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है। तो अब कौन सी वाली साइड बची, तीनों साइड्स तो हो गई। अब हमें ये पता है कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि हमें दो साइड्स तो पता है, कौन कौन सी, 6 सेंटीमीटर पता है और 4.5 सेंटीमीटर पता है। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या बनेगी, 4.5 सेंटीमीटर बनेगी, और यहाँ से क्या बनेगी, 6.6 सेंटीमीटर बनेगी। तो यहाँ पर हम O को सेंटर मानकर 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, और फिर E को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर से डिस्टेंस भरेंगे, और दोनों के मिड पॉइंट पर जहाँ पर ये कट रहा है उसे मिला देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है ना, जैसे हम थर्ड चैप्टर में क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीज़ हमें बताई गई थी कि हमारी जो पैरेललोग्राम होती है उनकी अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ऐसी अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अभी एंगल इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुई, हमें दो साइड्स दे रखी थी, हमने दूसरी दोनों साइड्स भी और निकाल ली। तो ये दोनों भी 6 हो गई और ये दोनों 4.5 हो गई। इसकी असली फिगर आप इसमें देख सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर लिया, फिर 6 सेंटीमीटर आर को सेंटर मानकर हमने 4.5 सेंटीमीटर को भरा, फिर यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर को थोड़ा बड़ा लेते हैं, जिससे ये 4.5 क्योंकि छोटा है तो ये छोटे वाले भाग को काट देगा 7.5 के। फिर हमारा ये ट्रायंगल बन गया, ओ आर ई बन गया। फिर उसके बाद वही सेम हुआ, यही यहाँ से ओ को सेंटर मानकर हमने 4.5 सेंटीमीटर की भरी, और ई को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर की भरी, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया, दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, और ये डायगोनल है। ओके, गॉट इट। इसके स्टेप्स वैसे ही लिखे जाएंगे। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाया 6 सेंटीमीटर, फिर ओ को सेंटर मानकर हमने 7.5 सेंटीमीटर का आर्क में भरकर ई पॉइंट बनाया, आर को सेंटर मानकर हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले ट्रायंगल बना दिया ओ आर ई, और ऐसी ओ से इसे बना दिया। यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट ट्रेस करते हैं, ये वाला पॉइंट था डी, एक मिनट, ये पॉइंट है डी। ओके, एम ओ आर ई, एम रह गया। ओके, ये एम होगा, मोर बनाना है ना, ठीक है, ये एम पॉइंट है। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, रोम्बस, बी ई एस टी। हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमें दो साइड्स पता हैं, या तो इसमें हो सकता है कि एक साइड डायगोनल हो और चारों साइड्स वैसे हो। चलो बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हमने ले ली ई टी 6 सेंटीमीटर, आप 4.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई टी, ठीक है, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर, सही है। ई से हमने इसको पॉइंट मानकर क्या लगाया, 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया यहाँ पर। ओके, 4.5 सेंटीमीटर का लग गया। बी और टी, हमें पता है कि हमारी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होंगी, रोम्बस के अंदर क्या होता है, सबके सब इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, फिर 4.5 सेंटीमीटर का लगाएंगे। ओके, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, ऐसी यहाँ को ई को सेंटर मानकर यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर से आर्क लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर आर्क बनाएंगे डिस्टेंस भरकर, किस में, प्रकार में,
ऐसे टी को सेंटर मानकर, यानी कि टी को जो प्रकार का जो पॉइंट होता है, नुकीला पार्ट होता है, वो टी पर रखकर यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर आर्क लगा देंगे। फिर जो इसका मिड पॉइंट होता है उससे इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला 4.5 सेंटीमीटर, ये वाला भी 4.5 सेंटीमीटर, ये वाला भी 4.5 और ये वाला भी 4.5। तो रोम्बस की यही प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। चाहे आप इसे 4.5 सेंटीमीटर के सेगमेंट को पहले ले लो, यानी कि बी ई, तो इसमें जो डायगनल हो जाएगी वो छोटी बन जाएगी और जो इसके चारों तरफ होंगे वो 6-6 सेंटीमीटर के बन जाएंगे। ये इस तरीके से बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बस शेप का डिफरेंस होगा, रोम्बस वही का वही रहेगा। ओके, ये यहाँ पर क्या होगा टी पॉइंट और ये यहाँ पर क्या होगा एस पॉइंट। या कुछ गलत किया है, एक मिनट, बी ई एस टी होता है ना, सही है सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर को है, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या किया, सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाया ई टी, फिर उसके बाद हमने 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ को सेंटर मानकर यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ऐसे यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, फिर उसे इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया इसके मिड पॉइंट से। ओके, इसे आप जूम करके भी देख सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद नीचे की तरफ हमने आर्क लगाया, फिर उसे इससे ई वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया और टी वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया, बी और एस पॉइंट बन गया, बी और ये एस, ठीक है। तो बी ई एस टी, बी ई एस टी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नहीं 4.2 एक्सरसाइज, 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें भी हमें क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटर बनाना है। अच्छा हाँ, इसके स्टेप्स बचे ना, स्टेप्स में क्या क्या करते हैं, स्टेप्स में वही जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मेक अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या लिया था हमने, ई टी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन ई ई टेक्स अ सेंटर, सेंटर 4.5 सेंटीमीटर टेक्स अवे फ्रॉम द ई पॉइंट, टेक्स अवे फ्रॉम ई पॉइंट एंड 4.5 सेंटीमीटर टेक्स अवे फ्रॉम टी पॉइंट, ठीक है। देन मेक अ आर्क, टेक्स अवे फ्रॉम टी पॉइंट। आप इसमें लैंग्वेज कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। देन मेक्स अ आर्क, देन मेक्स अ आर्क, ठीक है। फिर कौन सा पॉइंट बन जाएगा ऊपर की तरफ, हमारा बी पॉइंट बन जाएगा, मेक बी पॉइंट। ओके, ऐसे ही नीचे की तरफ हो जाएगा, हम फिर वही ई को सेंटर मानकर 4.5 सेंटीमीटर अवे करेंगे और ऐसी टी पॉइंट से करेंगे और फिर वो कौन सा पॉइंट बन जाएगा, एस पॉइंट बन जाएगा। ये देखिए एस पॉइंट बन जाएगा, ऊपर बी पॉइंट बन जाएगा।